गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको चैप्टर 14 इज आर एम। इसका यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है और एम कहाँ यूज होता है। इज मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है और एम मीन्स हू। अब इस किसके साथ यूज होता है, जब वन पर्सन का नेम दिया हुआ हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। अगर एक पर्सन का नेम दिया हुआ है, एक इंसान का, तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे। या वन पर्सन या वन थिंग, कोई भी हो, चाहे वन पर्सन हो चाहे वन प्लेस हो चाहे वन थिंग हो, उसके साथ हम इज यूज करेंगे। और ही शी और इट, उनके साथ भी हम इज यूज करेंगे। आर किसके साथ यूज करेंगे, जब दो पर्सन्स के नेम दिए हुए हों। मान लो दो लोगों का नाम दिया हो, अगर दो लोगों का नाम दिया हो तो हम आर यूज करेंगे। या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो, दे वी यू एटसेट्रा, इनके साथ हम आर यूज करेंगे। एम, एम किसके साथ यूज होता है, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। अगर कहीं भी आई लिखा है तो उसके साथ आप एम लगाओगे। अगर इज एम आर फिल करना है तो आई के साथ एम यूज होता है। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ एम नहीं यूज होता है। रीड अबाउट सिड, अब इसमें कहा है सिड के बारे में पढ़िए। हेलो माई नेम इज सिड, कहता है माई नेम इज, मेरा नाम सिड है। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है ना, सिड है सिर्फ, इसलिए इज यूज हुआ है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई मतलब मैं, ये भी वन हुआ ना। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे फ्रेंड्स हैं। दे, दे मीन्स वे लोग, वे लोग यानी ढेर सारे हो गए तो आर यूज होगा। ही इज रोहन, वह रोहन है। रोहन क्या एक है ना, तो इज ही के साथ इज, वह रोहन है। शी इज किम, वह किम है। अभी तो आपको पता है कि बॉय के लिए यूज होता है, शी आपका गर्ल के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों क्या है, वन पर्सन है, दोनों का मतलब वह होता है, एक है। दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। दिस के साथ भी आप इजी यूज करोगे। इट इज कॉल्ड जॉय, इसको जॉय कहा जाता है। वी आर गुड चिल्ड्रन, हम अच्छे बच्चे हैं। हम लोग, ये भी ढेर सारे हो गए ना। नोटिस द यूज ऑफ इज एम आर इन द अबव सेंटेंसेस, आगे के जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें आप इज एम आर को नोटिस करिए। अब देखिए, आई के साथ एम यूज हुआ है, शी के साथ इज, ही के साथ इज, दे के साथ आर, वी के साथ आर, यू के साथ आर, इट के साथ इज, विथ नेम्स, अगर नेम दिया हुआ है तो भी इज यूज होगा। वन थिंग है, अगर वन नेम है वन थिंग है तो इज ही यूज होगा। मैनी थिंग्स यानी अगर ढेर सारी चीजें हैं, या दो पर्सन या दो से ज्यादा लोगों का नाम दिया हुआ है, तब हम वहाँ आर यूज करेंगे। एक्सरसाइज वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर। एक्सरसाइज वन में आपको क्या करना है, इज एम या फिर आर फिल करना है। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए, आई एम वसु, आई के साथ एम यूज होता है। अब फिर आई आ गया तो आप क्या यूज करोगे, एम यूज करोगे। आई एम योर न्यू नेबर। माई नेम, तो माई नेम इज परी, फिर आई आ गया, आई के साथ एम यूज होता है। आई एम इन क्लास फर्स्ट। शी के साथ इज माई टीचर। सो 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज योर होमवर्क, कर लोगे। अगर वन पर्सन है तो बताया ही, आगे यहाँ से दिख रहा है वो किसके साथ क्या यूज होगा। एक्सरसाइज टू में आते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम और आर। कहा गया है कि पिक्चर को देखिए और इज एम आर फिल करिए। फर्स्ट वन इज दिस, दिस के साथ पता ही है इज यूज होता है, तो दिस इज अ जू। देयर, देयर मतलब वहां, देयर आर मैनी एनिमल्स। द एलिफेंट, अब एलिफेंट क्या है, एक है ना, तो द एलिफेंट इज बिग। जिराफ, जिराफ भी वन ही लिखा है ना, वन एनिमल का नेम लिखा, तो जिराफ इज अ टॉल एनिमल। द मंकी, अब देखो मंकी भी वन है ना, तो द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ब्रांच। द डक्स,
अब देखो डक्स, डक इसमें कितनी, 1 2 3 पिक्चर में कितनी डक्स हैं, 3, और डक्स भी लिखा यानी प्लूरल है ना, ढेर सारी डक की बात हो रही, तो क्या यूज होगा प्लूरल के साथ, आर, द डक्स आर इन द पॉन्ड। फिर द बर्ड्स, अब बर्ड्स भी क्या है, दो हैं यानी एक तो है नहीं, बर्ड्स एस लगा है ना तो आर यूज होगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द टाइगर, अब वन है ना तो द टाइगर इज आर नेशनल एनिमल। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, यानी यहाँ पे ढेर सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, ज्यादा हैं तो आर यूज करेंगे, चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल्स। पेरेंट्स, स्टैंडिंग विद देयर चिल्ड्रन, अब देखो पेरेंट्स भी है ना बच्चों के साथ, अगर सिर्फ पेरेंट होता तो हम इज यूज करते हैं यहाँ, लेकिन पेरेंट्स लिखा है, एस प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, आर, पेरेंट्स आर स्टैंडिंग विद देयर चिल्ड्रेन। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर 14, इज आर